खरखोदा में रविवार को भाजपा प्रत्याशी मीना नरवाल के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र के अनुरूप अब विभिन्न योजनाओं को प्राइस इंडेक्स से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अगले 5 साल में 3,000 रुपये मासिक हो जाएगा और इसे हम 3,000 रुपये मासिक से कम नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि यदि महंगाई दर ज़्यादा होगी तो इसके अनुरूप भत्ता बढ़ाकर लाभार्थी को दिया जाएगा। एक आंकलन बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि औसतन महंगाई दर 6 से 8% रहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संकल्प पत्र में महंगाई वृद्धि दर के अनुरूप न्यूनतम वेतनमान भी तय किया जा रहा है। अभी 2,000 रुपया है, हमने बहुत सी योजनाएं ऐसी चलाई हैं जो आगे प्राइस इंडेक्स के हिसाब से उनमें 8 साल वृद्धि हुआ करेगी, बल्कि अगर 6-6 महीने में वृद्धि कर सकते हैं हम, और उस प्राइस वृद्धि के हिसाब से ऐसा अनुमान है कि लगभग 5 साल में 3,000 हो जाएगी, लेकिन इसको 3,000 से कम नहीं रहने देंगे। हो सकता है ये प्राइस इंडेक्स के हिसाब से 3,000 से ज़्यादा भी हो जाए, तो मिनिमम टारगेट जो है 5 साल का 3,000 है। अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो 3,000 से ज़्यादा भी हो सकती है। इसको हर 6 महीने बाद इसका मूल्यांकन करेंगे, 6 महीने में साल में जैसे जैसे महंगाई, क्योंकि लगभग 6-7% 8% भी महंगाई बढ़ जाए तो 3,000 से ऊपर चली जाती है। तो आज क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी ने इसको 2,000 से 3,000 कहा, हमने उसमें अपने संकल्प पत्र में लिखा कि महंगाई वृद्धि दर के हिसाब से, जैसे और भी बहुत सी चीज़ें मानो मिनिमम वेजेस, ये भी हमने घोषणा कर दी है कि ये सब महंगाई वृद्धि दर के हिसाब से बढ़ा करेंगे। उसमें किसी को दिक्कत भी नहीं आती और बहुत एक आसान तरीके से चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, बाकी लोगों की आलोचना उसमें खत्म हो जाती है कम है कि ज़्यादा है, इसलिए लगभग 3,000 से नज़दीक जाएगी, उसे कम नहीं रहना। किसान कर्ज की कोई बात मैनिफेस्टो में आई हो? हमने मैनिफेस्टो में कहा कि हम किसानों की आमदन को बढ़ाएंगे, उनको अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, स्वावलंबन ये हमारा नारा है। हमने पहले भी उनको पर्याप्त मुआवजे दिए, पर्याप्त MSP के ऊपर उनका एक एक दाना खरीदा। हमारे यहाँ किसान की वो स्थिति नहीं है जो बाकी प्रांतों के दूसरे प्रांतों की है जहाँ लोग कर्जे के नीचे दबे पड़े हैं। हाँ, हमने अभी पिछले दिनों में उनका जो ऋण का ब्याज है और उनकी पेनल्टीज है वो 4,750 करोड़ रुपया पहले ही बात। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विपक्ष वादे तो करती है पर पूरे नहीं करती। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।